हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज करते हैं और आपका इंटरनेट कुछ दिनों से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो आज का ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पिन की सेटिंग बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपने इंटरनेट स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो वहाँ पर आपको पिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना होगा। दोस्तों, सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आपको क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका सिम कार्ड जो भी स्लॉट में होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आपको एक्सेस पॉइंट नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपने एपीएन सेट किया हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो आपको प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है एक न्यू एपीएन को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म भरने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो आपके फ़ोन में इंटरनेट स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो नेम वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है BSNL, देन आपको स्पेस लगाना है। स्पेस लगा के आपको यहाँ पर लिखना है FT। आपको यहाँ पर दोस्तों सेम टू सेम टाइप करना है जैसा मैं लिख रहा हूँ, FT आपको लगाना है। उसके बाद स्पेस लगाना है, देन आपको यहाँ पर नेट लिख लेना है। नेट लिखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है स्पीड, यहाँ पर आपको डॉट लिखना है, देन आपको स्मॉल लेटर में लिखना है FTX006। आपको सेम टू सेम टाइप करना है। उसके बाद से जो प्रॉक्सी का ऑप्शन मिलता है उसको नोट से छोड़ देना है। पोर्ट वाले ऑप्शन में आपको लिखना है 8080। उसके बाद से आपको जो यूजर नेम का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको टाइप करना है @, देन आपको यहाँ पर लिखना है BSNL India। उसके बाद से नीचे आएंगे, पासवर्ड को नोट सेट, सर्वर में आपको टाइप करना है www.google.com। उसके बाद से दोस्तों और नीचे आएंगे, MMSC को नोट सेट, MMS प्रॉक्सी को भी नोट सेट, MMS पोर्ट को भी नोट सेट, MCC एंड MNC आपके फ़ोन में ऑलरेडी सेट होगा तो वही रहने दें। ऑथेंटिकेशन टाइप में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है PAP और CHAP। उसके बाद से EPIN टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको लिखना है डिफॉल्ट। दोस्तों, उसके बाद से आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, देन आपको लिखना है SUPL। उसके बाद से कॉमा लगा के आपको नेट लिख लेना है, 3 EPIN टाइप आपको लिखना है। उसके बाद से यहाँ पर नीचे आएंगे, EPIN प्रोटोकॉल को IPv4/IPv6 में सिलेक्ट करेंगे। EPIN रोमिंग प्रोटोकॉल को आपको IPv4/IPv6 में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको एक बेरर का ऑप्शन मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले LTE को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों आपको HSPAP को सिलेक्ट करना है, HSUPA को, और नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको GPRS और नीचे आना है आपको, तो यहाँ पर दोस्तों एक GSM का बेरर मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ से एक IVLAN का बेरर मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है। अगर दोस्तों बाई चांस आपके फ़ोन में ये बेरर शो नहीं कर रहे हैं तो मुझे आपके फ़ोन का नाम एंड फ़ोन का मॉडल नंबर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कमेंट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आपका कमेंट एकदम जल्दी से पिकअप कर लूँगा और दोस्तों साथ ही साथ आपको एकदम जल्दी से रिप्लाई दे दूँगा। तो उसके बाद से यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद MVNO टाइप को आपको नन पर सिलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद से इस EPIN को यहाँ से सेव कर लेना है। EPIN सेव करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, तो EPIN को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में यह वाला EPIN सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, EPIN सेटिंग एक्टिवेट होने के बाद आपके फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।